नाउ अभी तक हमने डिलीट ऑपरेशन देख लिया, मॉडिफिकेशन किस तरह से करते हैं वो देख लिया, लेकिन अभी डेटा रिट्राइव करना है। हमारे पास डेटाबेस है, डेटा भी है, और उसमें से हमें डेटा रिट्राइव करना है, तो किस तरह से करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करेंगे सिलेक्ट ऑपरेशन। सिलेक्ट ऑपरेशन की यहाँ पे सिंटेक्स क्या है? सिलेक्ट एट्रीब्यूट लिस्ट, यानी कि जो जो एट्रीब्यूट हमें चाहिए वो, फ्रॉम टेबल लिस्ट। यहाँ पे एक टेबल में से भी डेटा रिट्राइव कर सकते हैं, मल्टीपल टेबल में से भी रिट्राइव कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ज्वाइन ऑपरेशन, वो भी हम देखेंगे। एंड जो भी कंडीशन होगी डेटा रिट्राइव करने की वो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दो टेबल्स है, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय। अब ये जो डिपार्टमेंट है वो फॉरेन की है, जो यहाँ पे इसको रिफर कर रहा है डिपार्टमेंट आईडी को, ये फॉरेन की है। ओके, सो इससे हम ये दोनों टेबल में से डेटा रिट्राइव कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो डायरेक्टली यहाँ पे सिंटेक्स एक्सप्लेन कर ली, नाउ यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो आइडिया आ जाएगा किस तरह से सिलेक्ट ऑपरेशन वर्क करता है। फर्स्ट, रिट्राइव द नेम्स ऑफ द एम्प्लॉयज हु वर्क्स फॉर डिपार्टमेंट वन। ऐसे एम्प्लॉय के नेम चाहिए जो डिपार्टमेंट नंबर वन में वर्क करते हैं। तो यहाँ पे पहले तो एम्प्लॉय में हम देखेंगे, एम्प्लॉय में हमारे पास एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट आईडी है, तो मुझे इसमें से कोई डेटा नहीं चाहिए, तो मैं डायरेक्टली इस पे ही क्वेरी फायर करूंगा। सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, जो भी मुझे एट्रीब्यूट्स चाहिए, मुझे एम्प्लॉय नेम सिलेक्ट करना है, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू वन, यानी कि जहां पे डिपार्टमेंट नंबर वन है वो मुझे डेटा रिट्राइव करके मिल जाएगा, यानी कि मुझे यहाँ पे आउटपुट में मिलेगा संतोष, बिकॉज यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर वन संतोष का ही है, इसलिए। ओके, सो सिर्फ मैंने नेम को ही मांगा है, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय नेम संतोष इस तरह से आउटपुट मिल जाएगा। सेकेंड वन इज रिट्राइव द नेम्स एम्प्लॉय आईडी ऑफ द एम्प्लॉयज हु वर्क फॉर आईटी डिपार्टमेंट। ऐसे एम्प्लॉय के मुझे नेम्स चाहिए और एम्प्लॉय आईडी चाहिए जो आईटी डिपार्टमेंट के लिए वर्क करते हैं। यहाँ पे मेरे पास डिपार्टमेंट नेम कहीं पे भी नहीं है, डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे है, तो वो मैं अभी दोनों टेबल का यूज करूंगा। तो ये एक थोड़ा टफ है, जिसको हम बोलते हैं ज्वाइन ऑपरेशन। रिलेशनल अलजेब्रा में हमने ज्वाइन ऑपरेशन देख लिया, अब इसको रियल टाइम क्वेरी में किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो जब भी ज्वाइन ऑपरेशन आपको करना है, ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त आपको टेबल स्पेसिफाई करने होंगे, टेबल लिस्ट। दैट मीन्स मैं यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे सिंटेक्स में क्या लिखूंगा, सिलेक्ट मुझे क्या चाहिए, नेम्स एंड एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम, तो ये मेरा क्या है, एट्रीब्यूट लिस्ट है। अब ये तो मुझे सिंपल मिल जाता है, बट फ्रॉम डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय दो टेबल में से मुझे डेटा चाहिए, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय, बिकॉज डिपार्टमेंट नेम आईटी मुझे यहाँ से मिलेगा, मुझे इसकी जरूरत है, ये मेरी कंडीशन में आता है, तो मुझे इसका यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय। अब ये लिखने पे क्या होता है, जब भी आप सिलेक्ट की क्वेरी में फ्रॉम में यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स लिखते हो, तो ये दोनों टेबल पे क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म होता है। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म होता है, दैट मींस ये टेबल की फर्स्ट सारे टेबल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में हो जाएगी, सेकंड सारे सिक्स के साथ, थर्ड सारे सिक्स के साथ, इस तरह से पूरा क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे परफॉर्म होता है। अब आगे हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन रख रहे हैं, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी। यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे हम ये क्यों लिख रहे हैं, इसका तो हमें कहीं पे भी काम ही नहीं है। तो यहाँ पे जब भी आप दो टेबल को मर्ज करते हो, तो दो टेबल को आप मर्ज किस तरह से क्यों करते हो, और उस मर्ज करने की कोई कंडीशन होनी चाहिए, दोनों में कुछ सेम होना चाहिए तभी आप मर्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी दोनों में सेम है। जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये जो फर्स्ट एंट्री है, ये पांच, ये जितनी भी एंट्रीज है उसके साथ जुड़ जाती है। तो यहाँ पे मुझे सबके साथ जुड़ जाए उसका कोई मतलब नहीं है, डिपार्टमेंट आईडी वन है तो डिपार्टमेंट आईडी वन का ही मुझे काम है, बाकी सब इसके लिए इनवैलिड है। तो यहाँ पे हम वही चेक करेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट तो हो ही रहा है, साथ में वहीं पे वो टपल जुड़ रहा है जहां पे उसका डिपार्टमेंट आईडी मैच हो रहा है, यानी कि वन मैच होगा वही टपल उसके सामने क्रॉस प्रोडक्ट में आएगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट प्लस ये इक्वल वाली कंडीशन, ये दोनों मिला के हम इसको बोलते नेचुरल जॉइन की तरह ये काम करेगा। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन फर्स्ट क्या रखी, डिपार्टमेंट इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी, तो यहाँ पे जहां पे भी डिपार्टमेंट आईडी सेम होगा वो टपल को बना देगा वर्चुअली। और दूसरी कंडीशन क्या है कि मुझे यहाँ पे डिपार्टमेंट में से मैं चेक करूंगा डिपार्टमेंट नेम क्या होना चाहिए, आईटी। अब हमने ऐसी एंट्रीज बना ली कि यहाँ पे वन सीएसी,
एम्प्लॉय है 3, एम्प्लॉय नेम संतोष और जॉब ए। इस तरह से मैंने सारी एंट्री बन गई। अब यहाँ पे चेक करेगा डिपार्टमेंट नेम इक्वल टू आईटी। डिपार्टमेंट नेम आईटी कहाँ पे आता है? डिपार्टमेंट आईडी 2 है वहां पे। तो जो भी एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर 2 के होंगे वो आईडी के होंगे, तो वो फायर करके मुझे मिल जाएंगे एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम में। तो एम्प्लॉय आईडी क्या मिलेगा? 2, 4 एंड श्रीनिवास एंड सौम्या एंड सौम्या। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोनों टेबल को मैं कनेक्ट करूंगा। और ये कंडीशन मैंने इसलिए लगाई कि मैं दोनों टेबल को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो किस कंडीशन के बेसिस पे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने ये कंडीशन लगाई। एंड ये कंडीशन हमारी रिक्वायर्ड थी क्वेश्चन में से। तो आई होप ये आपको समझ में आया। ज्वाइन की क्वेरीज है, थोड़ी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी ये समझने के लिए। नाउ थर्ड वन है रिट्राइव द जॉब्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। जॉब वाली कॉलम मुझे रिट्राइव करनी है, तो सिंपल क्वेरी है सिलेक्ट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय। तो यहाँ पे ये क्वेरी मुझे आउटपुट में मिल जाएगी। बट यहाँ पे क्या है, रिपीटेड डेटा है, ए ए ए बी बी रिपीट हो रहा है। तो मैं सिंपल सिलेक्ट अप्लाई करूंगा तो मुझे सारा डेटा मिलेगा, डुप्लीकेट्स भी आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड डिस्टिंक्ट लगाता हूँ तो मुझे डुप्लीकेट्स निकाल के डेटा मिलेगा। अब यहाँ पे डुप्लीकेट्स क्यों निकाल दिए, यहाँ पे डुप्लीकेट्स रखने की वजह क्या है? सिंपल सिलेक्ट ऑपरेशन में डुप्लीकेट्स इसलिए रखे जाते हैं, फर्स्ट तो कॉस्ट कम रहेगा क्वेरी फायर करने का, सेकंड यहां पे अगर कोई डिजिट होगा और ये डिजिट पे अगर एवरेज ऑपरेशन परफॉर्म करने पे आएगा, तो एवरेज ऑपरेशन में तो हो सकता है कि दो सेम नंबर भी होंगे, तो प्रॉब्लम हो सकती है। दो डिजिट को सिंगल डिजिट लेके एवरेज हमारा जो कैलकुलेशन आएगा वो गलत आएगा, तो कैलकुलेशन मिस्टेक और जो कॉस्ट रहेगी वो भी कम हो जाएगी क्वेरी की। इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली डुप्लीकेट्स आपको मिलेंगे, और अगर कीवर्ड रखते हैं तो डुप्लीकेट्स निकाल सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये दोनों आपको परफॉर्म करने, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उस पे से। सो ये बेसिक सेलेक्ट ऑपरेशन किस तरह से हम डेटा रिट्राइव करते हैं ये था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो सारे समझ में आ रहे हैं। एसक्यूएल ऑपरेशंस के ये सारे वीडियोस आपको गेट में क्वेरीज पूछी जाएगी तब आपको मर्ज करके काम आएंगे। पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, आपको मिला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंसेप्ट वाइज हम जाएंगे, देन गेट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच।